देखिए अभी जो कोविड की सूरत हाल है श्रीनगर के श्रीनगर जिले में, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पॉजिटिविटी रेट जो पीक 33% हुआ करता था वो अब नीचे आकर 6.5% हो गया है और तकरीबन 78% गिरावट आई है केसेस में। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिला श्रीनगर में अभी भी 3700 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आज तक पूरे जिले में 7 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, आरटीपीसीआर और रैड दोनों मिलाकर 7 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं पूरे जिले में। इसके अलावा वैक्सीनेशन पूरे जोरों शोरों पर चल रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव उसमें 18 to 44 ईयर्स ग्रुप 45+ दोनों में वैक्सीनेशन जारी है। आज तक अगर पिछले 4 हफ्तों में हम देखें जो कंटेनमेंट मेजर्स हमने उठाए थे जिसमें कोरोना कर्फ्यू, नोटिफिकेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, वैक्सीनेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल, ये सारी जो हिकमत अमली है इसी के तहत चलकर जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें नुमाया गिरावट देखने को मिली है। अभी भी तकरीबन 3700 एक्टिव केसेस हैं जिला श्रीनगर में, लिहाजा हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, एसओपीज का पालन करने की जरूरत है। अनलॉक जो पार्शली हुआ है ये मिनिमल अनलॉक है, कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे और इस खुशफहमी में भी ना रहे कि अब हम बिल्कुल अनलॉक कंप्लीट हो चुका है और अब हम खुला फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकलें। मैं सभी से आपके चैनल के जरिए इस्तदा करना चाहता हूं कि यहां से जहां हम जिला श्रीनगर ऑरेंज जोन में है, यहां से हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो हम वापस रेड जोन की तरफ जाते हैं या फिर हम ग्रीन जोन की तरफ जाएंगे। मार्केट में लोग खुश नहीं है कि हफ्ते में एक ही दिन मिल रहा है। आप बताइए कि हम तब खुश होंगे जब कोई अपने फैमिली को की देख रेख करने वाला शख्स खुदा ना खास्ता हाई रिस्क में एक्सपोज हो और जो आमदनी का जरिया है वो पूरे परिवार का इफेक्ट हो, क्या वो अच्छी सूरत हाल है या ये अच्छी है कि पहले जानों को बचाया जाए, जिंदगी की हिफाजत की जाए, वो बहुत जरूरी है।